पैसा आज के समय में हर किसी के लिए जरूरी है। ऐसे में हर इंसान धन पाने के लिए कड़ी मेहनत भी करता है, लेकिन कई बार भी मेहनत के बाद बरकत नहीं रहती है। लेकिन ऐसा क्यों? क्या कभी किसी ने इस बारे में सोचा है? अगर नहीं तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि आखिर मेहनत और अच्छी कमाई के बाद भी बरकत क्यों नहीं रहती। दोस्तों, अगर हम दुखी होकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं तो उस कमाई का कोई फायदा नहीं मिलेगा। कहा जाता है कि खुशहाल जीवन जीने वाले के घर ही लक्ष्मी जी का वास होता है। जी हाँ, गरुड़ पुराण में ऐसे कई उपाय बताए गए हैं जिनको अपनाकर व्यक्ति खुशहाल जीवन जी सकता है। आइए जानते हैं। घर की सबसे अहम और पवित्र जगह रसोई घर होती है। यहाँ परिवार के लिए भोजन तैयार होता है। गरुड़ पुराण में रसोई घर की पूजा का महत्व बताया गया है। रसोई घर में चूल्हे को खाना बनाते वक्त भोग लगाना चाहिए, इससे माँ अन्नपूर्णा प्रसन्न रहती है और घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं रहती। आर्थिक परेशानी के कारण अगर किसी से उधार पैसा लेना पड़े तो उसे पूरा पैसा वापस भी लौटाना चाहिए। अगर किसी का पैसा नहीं चुकाते हैं तो माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और घर की बरकत खत्म हो जाती है। गरुड़ पुराण में उल्लेख मिलता है कि व्यक्ति को कभी भी धन का अहंकार नहीं करना चाहिए, इससे धन संपत्ति में कमी होने लगती है। माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए इन बातों का जरूर ध्यान रखें। जीवन में हर व्यक्ति को धार्मिक कार्य करने चाहिए, इससे जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। दान पुण्य के कार्य, धर्म ग्रंथों जैसे रामायण गीता आदि का पाठ करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है, इससे जीवन में धन संपदा बनी रहती है। गरुड़ पुराण के अनुसार भोजन करने से पहले भगवान को भोग लगाना चाहिए, इससे देवता प्रसन्न रहते हैं और उनकी कृपा से जीवन में अपार सुख धन दौलत की प्राप्ति होती है। नियमित रूप से देवताओं की पूजा करनी चाहिए और धर्म ग्रंथों का पाठ करना चाहिए, इससे सुख समृद्धि व सौभाग्य में वृद्धि होती है। तुलसी का पौधा तो हर घर में होता ही है, ऐसे में घर के हर सदस्य को तुलसी की पूजा करनी चाहिए। सुबह शाम तुलसी के सामने दिया और जल देने से माँ लक्ष्मी का वास घर में होता है और हमेशा बरकत बनी रहती है। शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करने के बाद कनकधारा स्त्रोत का पाठ करना भी शुभ होता है। ऐसा करने से आपके जीवन में आ रही आर्थिक समस्याएं दूर होंगी और धन की प्राप्ति होगी। कई बार व्यक्ति बहुत मेहनत करने के बाद भी धन नहीं बचा पा रहे तो परेशान ना हो, बल्कि शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी के साथ भगवान गणेश का पूजन करें। कुंडली टीवी डेस्क से लता शर्मा की रिपोर्ट। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।